हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा डॉल्फिन मेडिकल सर्विसेज लिमिटेड शेयर के बारे में। देखिए, मैं इस शेयर को आज फिर इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि इस शेयर का मार्केट कैप बहुत मामूली है। समझ लीजिए एक दुकान खुली हुई है। कितना मार्केट कैप है इसका? 2.70 करोड़, कुछ भी नहीं है। एक दुकान के बराबर, जैसे एक दुकान होती है उस तरीके से ये शेयर मार्केट में लिस्ट कंपनी है। देखिए, इसका मोटी मोटी बात जानने की कोशिश करूँगा और मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे जो रिटेलर भाई होते हैं वो इस तरीके के शेयरों को ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके अंदर अपना पैसा हमेशा फंसा कर रखते हैं। अब देखिए, इसकी बुक वैल्यू देखें तो 6.74 रुपये की है, लेकिन इसका प्राइस कितना चल रहा है? 1.79 रुपये। और हाई और लो की बात करें, इसके 52 वीक के अंदर पिछले एक साल में इसने हाई लगाया है 1.94 रुपये का और लो लगाया है 1.36 रुपये का। क्योंकि मैं इस शेयर को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूं कि हो सकता है इस तरीके के शेयर में भी कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिल जाए कि शेयर मोटा प्रॉफिट करके दे दे, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी टाइम से मैं इसको देख रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे, क्योंकि इस कंपनी के अंदर जानने लायक कुछ है या नहीं है। चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ कंपनी के प्रोस और कौन से देखें। देखिए, प्रोस अच्छा ही इसकी ये है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। और दूसरी अच्छा ये है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.27 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब अपने आधे से भी कम कीमत पर आपको मिल रहा है। बुराइयाँ देखें तो कंपनी है स्लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रमोटर होल्डिंग इज लो 26.4%, कंपनी है ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 1.98% माइनस ओवर लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल के अंदर इसने जो अपने शेयर होल्डरों को रिटर्न बना के दिया -2% का दिया है। तो ये कुछ तो देखने को नहीं मिल रहा इसके अंदर। थोड़ी सी अच्छाई है, डेप्ट नहीं है, लेकिन डेप्ट लेकर करेगी क्या ये कंपनी? केवल 2 करोड़ की कंपनी है, इसमें डेब्ट के लिए है भी कुछ नहीं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें, सेल्स हैं इसकी दिसंबर 20 में देखें तो केवल 16 लाख की इसकी सेल्स हुई थी और जून 2023 में 15 लाख की सेल्स हुई हैं। तो वहीं ये झूल रहा है, 10-15 लाख आसपास में इसकी सेल्स होती हैं केवल। अदर इनकम इसकी कोई नहीं है, ना के बराबर है, 0.0 लाख। नेट प्रॉफिट 1 लाख का है। तो देखिए, जो कंपनी 1 लाख का 1.5 लाख का प्रॉफिट कमा रही है वो अपने शेयर होल्डरों को क्या दे सकती है? सालाना आधार पर इसके नेट प्रॉफिट देखें, पोर्टफोलियो क्या नाम, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, सेल्स इसकी 2014 में जो 96 लाख रुपये की थी, अब घटकर 61 लाख की इसकी सेल्स रह गई हैं, ये सालाना आधार पर है। अदर इनकम देखें, जो पहले 15 लाख थी, फिर 2 लाख हुई, फिर 9 लाख हुई, -63 लाख भी हो गई, फिलहाल 4 लाख की इसकी अदर इनकम है। नेट प्रॉफिट देखें तो -9 लाख में है। मुझे कुछ इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा। एसेट देखें कंपनी के, टोटल एसेट तो देखिए, जो पहले 24.64 करोड़ के एसेट थे, अब घटकर 12.17 करोड़ के इसके एसेट रह गए हैं। कंपनी का जो साजो सामान है, जो ज़मीन वगैरह होती है उसमें, उसको भी इसने आधा कर दिया है, बेच दिया है, क्या कर दिया है ये इन्हीं को मालूम होगा, लेकिन हमें इतना साफ क्लियर दिखाई दे रहा कि इसके एसेट आधे हो चुके हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो देखिए, इनका जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो केवल 26.44% की थी सितंबर 2022 में, और वो अभी तक वैसी की वैसी बनी हुई है 26.44%। वहीं रिटेलरों की देखें तो भर भर के इसके अंदर खरीदारी की हुई है जो 73.56%, लगभग 73.5% की इनके पास हिस्सेदारी है। तो देखिए, हमेशा जो रिटेलर भाई होते हैं वो शेयर का प्राइस देखते हैं और उस प्राइस के हिसाब से ही खरीद कर डाल लेते हैं अपने पास। ठीक है, डाल लीजिए, लेकिन ये तो देखें कंपनी का मार्केट कैप क्या है, कंपनी का काम में कुछ दिलचस्पी है भी या नहीं,
कंपनी के पास कोई सेल्स नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, तो इस कंपनी के या किसी भी ऐसी कंपनी के शेयर खरीदने का क्या फ़ायदा? काफ़ी टाइम होगा कंपनी को कुछ ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा, कोई प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा, तो इसके अंदर मेरी समस्या तो बाहर है ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना। लेकिन हमेशा अमीर जो बनाती हैं ऐसी कंपनियां बनाती हैं जिनका कोई कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन आने वाले टाइम में अचानक उनके साथ ऐसी जादुई छड़ी जन क्या हो जाती है कि वो अचानक कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो देखिए, मैं आपको इस तरह की वीडियो बना कर देता रहता हूं। जिन शेयरों की कहीं जानकारी आपको नहीं मिलेगी, उन शेयरों की जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूं। तो आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप इसी तरीके से जो हमारे रिटेलर हैं, जो छोटे मोटे रिटेलर भाई हैं, जो थोड़े बहुत पैसे लगाकर मार्केट में काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं बड़ी कंपनियों पर ही बना कर देता हूँ, और जो बड़ी कंपनियों में आपको रिसर्च करके बताता हूँ, उसमें 100% आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन उन वीडियो को कोई देखना पसंद नहीं करता, ना जाने क्यों उसमें व्यूज नहीं आते। इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि अपने छोटे भाइयों को समझाने की कोशिश करूँ, और बड़ी कंपनियों में भी इन्वेस्ट करें, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करें, पेन के पीछे न भागें। पेन के पीछे आपने 1,00,000 रुपये लगा दिए, 10,000 रुपये लगा दिए, 10 साल बाद आपको 1,90,000 हो जाएंगे। बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि आपको मोटा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन चांस ऐसे कभी कभी मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं। ये आपका फ़र्ज है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बड़े जो शेयर मैं आपको लेकर आता हूँ उसमें भी इन्वेस्ट करना सीखें। हालांकि उसमें शेयर की क्वांटिटी बहुत कम आती है, लेकिन उसमें प्रॉफिट बहुत जल्दी आता है। इसमें सालों साल आप टंगे होंगे, जिसने इसके अंदर इन्वेस्ट किया होगा वो आज तक इसके अंदर फंसा हुआ होगा, घाटे में ही होगा। प्रॉफिट होना तो बहुत केड़ा काम है इस तरीके के शेयरों में। तो दोस्तों, फिर आपसे गुजारिश करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और अच्छी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।